शनाना साहिबा, ये खबर जो है वो गर्दिश कर रही है कि कोर कमेटी का जो आपका इजलास हुआ है उसके अंदर इमरान खान साहब ने तंबीह की है कि कुछ रहनुमा मुझे बायपास करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कंफर्म करेंगी इसको? शुक्रिया मुजम्मिल साहब। एक तो मुझे आमिर ज़िया साहब की आवाज़ बिल्कुल नहीं आई, तो मैं तो सिर्फ आपको वही बात बता सकूंगी जी 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 जो जी मुझे अपने खुद मालूम है। आज हमारी मीटिंग हुई है असद उमर साहब के साथ उस केस के हवाले से जो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील में चले गए हैं। आपको पता है कि इस वक्त 11-10 की सीटों पे बाय इलेक्शन, मतलब 11 उन्होंने रिजिग्नेशन एक्सेप्ट किए थे, 9 सीटों पे बाय इलेक्शन होना था, अब 8 पे हो रहा है। तो हम कुछ लोग गए थे असद उमर साहब से मिलने के लिए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2-3 दिनों में आगे पीछे फैसले सुनाए कि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। खैर, अब वो केस सुप्रीम कोर्ट में है। हमारी ये स्टांस है कि या तो स्पीकर साहब डिस्क्रेशन दिखाएं कि उनके पास ये कहाँ से आई डिस्क्रेशन की वो 123 में से 125 में सिर्फ 11 को एक्सेप्ट कर सकते थे, और ये आपके सवाल से कनेक्टेड है ना, ये गोइंग आउट ऑफ द वे मुलाकातों से, या तो हमें फिर दिखा दें। क्योंकि अगर आपको याद है, हाईकोर्ट ने यह कहा कि कासिम सूरी ने जो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट की थी वो गलत थी, दो वजूहत से, आईन की 64A और जो रूल्स ऑफ बिजनेस नेशनल असेंबली की 43, उन दोनों में लिखा है कि जो रेजिग्नेशन होगा वो हाथ से लिखा होगा, और नंबर टू आपने स्पीकर के सामने वेरिफिकेशन देनी होगी। मैं भी 11 लोगों में से हूँ जिनको हमें रेजिग्नेशन मेरी एक्सेप्ट हुई है, ना मैं स्पीकर साहब के पास गई हूँ मिलने जो राजा परवेज अशरफ है, ना मैंने उनको एक नया फ्रेश रेजिग्नेशन दिया है, वही टाइप्ड फॉर्मेट वाला है। तो ये कैसे हो सकता है कि जो कासिम सूरी ने एक्सेप्ट किए वो गलत थे, बट ये स्पीकर साहब ने एक्सेप्ट किए तो ठीक थे, और फिर 11 कैसे ठीक थे, बाकी इनका क्या हुआ 110 111 का? अब इस दौरान मुझे जो समझ आई है कि अब मुझे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को कैरेट एंड स्टिक अप्रोच हो रही है ना, मेरे साथ स्टिक अप्रोच हो रही है, मेरा पासपोर्ट मुझसे विदहोल्ड कर देना, मुझसे मुझे कहना कि आप ये अपार्टमेंट छोड़ जाए, आप चली जाए, हालांकि 123 लोगों ने रेजिग्नेशन दिया, सबसे कहना कि अपार्टमेंट छोड़ें। तो कुछ लोगों को तो इस तरह सिंगल आउट कर रहे हैं कि उनको सजा दे रहे हैं जो लड़ाका टाइप है, और जो बेचारे टाइप है उनके पीछे जा रहे हैं, उनको टेम्पटेशन दे रहे हैं कि आ जाओ मुल्क की खिदमत है। हमें जो गॉसिप सुनने में आ रही है वो यही है कि बहुत लोगों का शौक है कि हम लोग वापस जाके असेंबली में बैठे,